एमपी में इतना बढ़िया एक बिल्डिंग बनना बहुत ही बड़ी बात है। तो हेलो एवरीवन, तो फाइनली आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ वेट हमारी नई बिल्डिंग हॉस्पिटल की तैयार हो चुकी है एंड फंक्शनल हो चुकी है। यहाँ पे अभी पेशेंट्स आने लगे एंड हम लोगों की भी पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप भी सब चालू हो गई है। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपने नए हॉस्पिटल बिल्डिंग की एक जर्नी कराऊंगा, कहाँ का क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस तरीके से ये हमारा हॉस्पिटल है, रजिस्ट्रेशन ब्लॉक बीच में, इसके बाद ए ब्लॉक लेफ्ट में, बी ब्लॉक राइट में एंड सी ब्लॉक उस तरफ। तो ये हमारे ब्लॉक का सारा मैप है कि कहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके राइट में दवाइयों का वितरण होता है, और ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और उस तरफ सी ब्लॉक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन विभाग है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, पेशेंट जितने भी आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये है हमारा फार्मेसी ब्लॉक और यहाँ पर सारी दवाइयों का वितरण होता है और बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। पहले जो था वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ भाड़ और थोड़ा कंजस्टेड था, लेकिन यहाँ पे इतने सारे काउंटर हैं तो अब सब अच्छे से चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बी ब्लॉक में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ENT है, अभी ये बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा ये। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, बट ये अभी छोटा सा है, ऊपर और भी है। तो ये जो भी बी ब्लॉक में है वो सारा इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि भूतल, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पर अपना OPD है, सामान्य दवा विभाग है, ENT है, उसके बाद पहली मंजिल में प्रशासनिक विभाग है, नेत्र चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, त्वचा चिकित्सालय, मतलब कि डर्मेटोलॉजी। तो आप देख पा रहे हो कितनी सारे इसमें मंजिल हैं, इसके बाद एक कितने सारे फ्लोर हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट रूम है। इधर अगर हम आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, सामने नेत्र रोग विभाग के लिए, यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है और ये सारे रूम्स हैं अलग अलग प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर रूम, असिस्टेंट प्रोफेसर रूम और ये जूनियर रेसिडेंट रूम, डेमो रूम, ये अभी बंद है। तो अभी ये सब खुलने वाला है, अभी बस लाइक कुछ ही टाइम में खुल जाएगा, एक दो महीने में। बट हाँ, अभी जो ग्राउंड फ्लोर पर सारा पेशेंट लोड आने लगा है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट खुल गए हैं। तो ये है हमारा नया कैंपस GRMC का हॉस्पिटल कैंपस, देख पा रहे हो कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। तो जो एक आई विल से कि MP में इतना बढ़िया एक बिल्डिंग बनना तो बहुत ही बड़ी बात है, और ये शायद इसकी वजह से GRMC MP का नंबर वन कॉलेज भी अगले एक दो सालों में बन सकता है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर है यार, मतलब क्या बताऊँगा। तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा भी है, इतना बड़ा है। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं लिफ्ट से सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। तो हम सबसे ऊपर आ चुके हैं और ये सेम वैसा ही दिख रहा है, सेम पूरा का पूरा है। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट, तो एक ही डिपार्टमेंट अलग अलग जगह खूब सारा है। माय गॉड यार, कितना अच्छा है भाई ये। इन कर्टेनों के अंदर ही शायद ऐसे बेड्स लगेंगे यहाँ पे और फिर लोगों का इलाज होगा। तो अभी तक हम इस बिल्डिंग को देखते थे अपनी घरों की बिल्डिंगों से, अब हम इस बिल्डिंग के
छत से देखेंगे क्या क्या है। तो ये हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ग्वालियर का सबसे बड़ा, और यहाँ पर ये अब देख पा रहे होगे पूरा का पूरा हॉकी का स्टेडियम है, यहाँ पे बास्केटबॉल का भी कोर्ट है एंड और भी छोटे मोटे कोर्ट हैं लाइक वॉलीबॉल वगैरह। और यहाँ पर भी आप अगर ग्वालियर आते हो तो आप भी जा सकते हो, और ये बहुत ही शानदार जगह है। तो आपको स्पोर्ट्स का भी ऐसा लगे कि कभी लाइक स्पोर्ट ज्वाइन करना है तो वो भी सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। उसके आगे जा कर के SF ग्राउंड है, वहाँ पर लोग रनिंग और दोस्तों के साथ मस्ती करने आते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम में हमारे को ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचाती है, ठीक है। तो मैं स्टॉप वॉच चालू कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, ये हमारा स्टॉप वॉच ऑन। चलो लेफ्ट में चलते, नहीं ग्राउंड ग्राउंड। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया टाइमिंग। अभी हैं हम लोग 7 पे और फाइव फोर हमें आधा मिनट लगा है, जिसमें कि स्टार्टिंग ही कुछ टाइम तो लाइक गेट बंद होने में जा रहा था। तो अब हम हैं ए ब्लॉक पे और यहाँ पे एक्सरे विभाग, सेंट्रल लैब, रक्तकोश विभाग, रेडियो डायग्नोसिस, निजी वार्ड और सामान्य वार्ड है। तो ये एक्सरे विभाग है, तो लाइब्रेरी आपको पता और हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 7वीं मंजिल पे लाइब्रेरी होगा। तो आई थिंक ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है। तो ये वो लैब है जहाँ पे ब्लड की जांच होती है, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब। और ये एक रूम है सीरोलॉजी के लिए अलग है, TDD के लिए अलग है। ये ट्यूबरकुलोसिस लैब है और ये पैरासाइटोलॉजी लैब है। ये हीमेटोलॉजी है और ये बैक्टीरियोलॉजी है। वायरोलॉजी लैब, माइकोलॉजी लैब, सीरोलॉजी लैब, मीडिया प्रिपरेशन रूम, क्वालिटी कंट्रोल रूम, अटेंडेंट के लिए ऑटोक्लेविंग रूम, वॉशिंग रूम, HIV काउंसलिंग, बायोकेमिस्ट्री लैब, सब तरीके के लैब हैं यहाँ पे। इवन चलो आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये एक बहुत ही शानदार चीज़ मुझे मिली है जो कि है प्राइवेट वार्ड। तो यहाँ पे एक एक रूम है, ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो ये पूरा एक रूम है और यहाँ पर पूरा इलाज होगा, मतलब एक प्राइवेट बेड की तरह है ये। और ये पूरा एक बाथरूम है डेडिकेटेड उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, बहुत ही शानदार। मतलब ऐसा है अरेंजमेंट, आई डोंट थिंक कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा तो नहीं कभी कुछ कर सकते हो, इतना सुंदर और इतना बड़ा। और ये इतने सारे हो सकते हो क्या लेवल पे चीज़ें बनी है हमारे कॉलेज में। और अब ग्वालियर को, GRMC को MP का बेस्ट कॉलेज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करी है। हाय गाइस, राहुल परते, दुर्गेश साहू, द स्पॉट दादा, ही इज आवर स्पॉट दादा। देखो यहाँ पर
लाइटें, कैमरा, लेंसेज सब यही पकड़ता है हमारे स्पॉट दादा है। और ये हमारे कैमरामैन हैं, हम एक्टर हैं और ये हमारी मूवी है।